हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। ये टिप्स बिगनर्स के लिए हैं। अगर आप बिगनर्स हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए देर नहीं करते और पहली टिप शुरू करते हैं। अगर आपको इडली पसंद है और आपके पास इडली का स्टैंड नहीं है तो आप बिना स्टैंड के भी आप आराम से इडली बना सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इडली को बिना स्टैंड के बना सकते हैं। इडली बनाने के लिए हमने छोटी छोटी कटोरियां ली हैं और ये मैंने जो मसालेदानी होती है ना उसकी कटोरियां ली हैं, तो सारी सेम साइज़ की हैं। अगर आपके पास मसालेदानी की हैं तो वो ले लें, नहीं है तो कोई भी छोटी कटोरियाँ आप ले लें और उसमें ऑयल से ग्रीस कर लें। तो ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें बैटर डाल दें, जो आपने बैटर बनाया ना वो डाल दें। और इसके बाद हम इसको कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जब अच्छा सा पानी गर्म हो जाए, उसमें स्टीम बनने लगे, तो हम इसको रख देंगे कटोरियों को। तो ये देखिए हमारा पानी अच्छे से बॉईल होने लगा है। और इसमें कोई भी आप स्टैंड रख दें, अगर आपके पास इस तरीके स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी रख दें, कटोरी के ऊपर एक प्लेट रख दें, प्लेट के ऊपर आप ये कटोरियाँ रख दें और इसको ढक के रख दें। ढककर हमें जब तक रखना है, जैसे 10 मिनट तक ढककर रख दें। उसके बाद आप इसको चाकू से या किसी टूथपिक की हेल्प से चेक कर लें, अगर नहीं चिपक रहा तो बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। तो देखिए हमारी इडलियाँ बन गई हैं, बिना स्टैंड के बन गई हैं। तो आपको इडली स्टैंड लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से अपनी इडलियों को बना सकते हैं। अगर आप मैक्रोनी बना रहे हैं तो आप दो तीन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे मैक्रोनी बनाते टाइम, तो आपकी मैक्रोनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेगी। मैक्रोनी और पास्ता बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बॉईल करते टाइम इसमें एक चम्मच ऑयल डालना है, जिससे कि जो हमारी मैक्रोनी है वो एक दूसरे से चिपकेगी नहीं। तो देखिए बस हमारी मैक्रोनी बॉईल हो गई है और अब हम इसको एक किसी जालीदार बर्तन में निकाल लेंगे। तो चेक करने के बाद आप इसको एक जालीदार बर्तन में निकाल लें। तो ये मैंने जालीदार बर्तन लिया है और जालीदार बर्तन में डालने के बाद आप तुरंत ही इसमें ठंडा पानी डाल दें, जिससे कि जो हमारी मैक्रोनी है ना वो ओवर कुक ना हो। नहीं तो आप ऐसे ही रखे रहने देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा पक जाएगी। तो बस हमारी मैक्रोनी बॉयल हो गई है, अब हम इसको बना लेंगे। जैसे भी आप बनाते हो उसका मसाला, वैसे बना के वो मैक्रोनी डाल दें, तो हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। आपको खाना बनाना नहीं आता तो रोटियां तो थोड़ा सा मुश्किल होती हैं बनाना, तो उसके लिए हमें परफेक्ट रोटी कैसे बनानी है या परफेक्ट पराठा कैसे बनाना है, एकदम गोल कैसे बनाना है, तो इस टिप को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा कि हमें बिल्कुल परफेक्ट गोल पराठा या रोटी कैसे बनानी है। तो पराठा और रोटी बनाने के लिए आप इस तरीके से एक लोई बना लें और उसमें थोड़ा सा आटा लगा लें। आटा लगाने के बाद आप बेल लें, तो आपसे जैसे भी बेल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा वैसे आप बेल लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये ठीक से नहीं बन रही है ना, थोड़ी सी फट भी गई है साइड से। उसके बाद एक ढक्कन ले लें और इस तरीके से कट कर लें। तो कट करने से आपकी जो पराठा या रोटी है एकदम परफेक्ट गोल हो जाएगी और जो साइड का जो आटा है वो आप निकाल दें। तो देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट बन गई है ना। तो इस तरीके से आप पराठा और रोटियां बना लें। और जो मैंने छोटा ढक्कन लिया है आप उसका बड़ा साइज़ का ले सकते हैं और आपकी थोड़ी बड़ी साइज़ की रोटियां बन जाएंगी। तो अब हम इसको तवे पे सेक लेंगे। ये मैंने पराठा बनाया है तो थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के इसको मैं सेक लूँगी। तो ये देख आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे परफेक्ट गोल भी दिख रहे हैं और सारे एक जैसे भी दिख रहे हैं। तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और जो खाने वाला है उसको भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। जैसे बहुत सारे लोगों से केक तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता है, तो बिगनर से तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो आप इस टिप को देखोगे कि उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अगर उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो केक है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने एक केक टिन ले लिया है, कोई भी साइज़ का, जो भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं आप ले लें। और उसके बाद हमने एक बटर पेपर ले लिया है, तो बटर पेपर को उसके साइज़ का हम कट कर लेंगे। ये देखिए बस हमें नीचे लगाना है। अब हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इससे हम अपने जो
केक टिन है ना उसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद ही हमें इसमें बटर पेपर लगाना है, जिससे कि जो बटर पेपर लगाने से होता ही है कि जो हमारा केक निकालते टाइम एकदम परफेक्ट निकलता है और कहीं से भी मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, एकदम फ्लैट निकलता है। अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे और बैटर डालने के बाद इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे, जिससे कि जो इसमें एयर भरी हुई है ना वो सारी निकल जाए। जब भी आप कोई भी केक बना रहे हैं तो बैटर डालने के बाद आप इसको टैप जरूर करें 3 से 4 बार। और इसके बाद मैं इसको कढ़ाई में बनाऊंगी, तो कढ़ाई में मैंने पहले से ही नमक डाल दिया है और उसके बाद स्टैंड रख दिया है और इसको प्रीहीट कर लिया है। और इसको आधा घंटे तक हम स्लो फ्लेम पर रखे रहने देंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे कि हमारा केक रेडी है या नहीं। तो चाकू की हेल्प से चेक कर लें, नहीं चिपक रहा तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। जब हम ग्रीन चटनी बनाते हैं, जैसे धनिया की चटनी बनाते हैं या पुदीने की चटनी बनाते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि जब धनिया पुदीने को ग्राइंड करते हैं थोड़ी देर में आप देखोगे कि उसका कलर चेंज हो गया है। तो उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट ग्रीन आने के लिए हमें क्या करना है वो इस टिप में मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने बहुत सारे धनिया ले लिया है और इसमें हम आइस क्यूब डाल देंगे। आइस क्यूब डालने से ये होगा कि जो हमारी धनिया है उसका कलर चेंज नहीं होगा, एकदम ठंडी रहेगी तो वो कलर भी चेंज नहीं होगा। तो धनिया में जो भी इंग्रेडिएंट्स डालना है, मैं धनिया पुदीने की चटनी बना रही हूँ तो आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स डालना है आप डाल लें, लेकिन जब भी आप चटनी बनाएं तो उसमें आइस क्यूब आप ज़रूर डाल दें, 3 से 4 तो ज़रूर ही डालें। तो ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल बनके तैयार है। तो आप इस तरीके से चटनी बना सकते हैं और आपकी चटनी का कलर भी चेंज नहीं होगा। तो इस चटनी को मैं एक डब्बी में भर कर रख लूँगी और 2 से 3 दिन तक हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में जब भी ज़्यादा धनिया और पुदीना आता है तो मैं इसी तरीके से चटनी बना के रख लेती हूँ एक डब्बी में और उसको 2 से 3 दिन तक हम यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप इन छोटे छोटे टिप्स को अप्लाई करोगे आप खाना बनाते टाइम तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसको भी आप प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।